रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे करोड़ों रुपए की लागत से बने ऑक्सीजोन की हालत खस्ताहाल हो रही है। ऑक्सीजोन क्षेत्र में लगे खंबे और सौंदर्यकरण के लिए बनाए गए स्टैच्यू और लाइटें टूट फूट चुकी हैं। यहां तक कि ऑक्सीजन के पास ही शहर का कचरा डंप किया जा रहा है। देखरेख के अभाव के कारण ऑक्सीजोन पूरी तरह से तहस नहस हो रहा है। शुरुआत में लोग वहां शुद्ध हवा और मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि कोई वहां जाना पसंद नहीं कर रहा। अब देखना होगा कि इस ऑक्सीजोन को लेकर जिम्मेदार अधिकारी और रायपुर नगर निगम क्या एक्शन लेता है। राजधानी वासियों को शुद्ध वातावरण देने के लिए रायपुर नगर निगम द्वारा ऑक्सीजोन जो है वो शहर में बनाया गया है। इस वक्त हम उसी ऑक्सीजोन में मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब दिख रही है। अगर बात करें बाहर के इलाके की, तो वहाँ पर जो चेन लगाई गई हैं, जो सौंदर्यीकरण किया गया, उसे भी पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया गया। बताया जाता है कि यहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा उनका डेरा है यहाँ पर, जिन्होंने ये कार्य किया है। वहीं अगर अंदर के हालत की बात करें, तो आप देख पा रहे हैं इसे अब एक केवल कचरा डंप करने का जो है एरिया बना दिया गया। हालांकि रोज़ाना सुबह और शाम के वक्त लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, लेकिन यह हालत देखकर लग नहीं रहा है कि अब ऑक्सीजोन जो है, जिस तरह से ये पहले इसकी जो हालत थी, जिस कंडीशन में ये पहले था, अब वो कंडीशन में इसे केवल एक डंप एरिया बना दिया गया। यहाँ पर ख़राब सामानों को रखा गया, यहाँ तक कि कचरा जो है अब वो यहाँ पर डंप हो रहा है। अब ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे इस ऑक्सीजोन का निर्माण करने में, लेकिन आज देख रेख के अभाव के कारण इसकी हालत जो है वो यहाँ पर काफ़ी ख़राब यहाँ पर नज़र आ रही है। देखने वाली बात होगी कि राजधानी वासियों को तो ये एक मॉर्निंग वॉक और उनके लिए एक सौंदर्यकरण, एक गार्डन बनाया गया था, ताकि जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने आ सके और एक शुद्ध वातावरण का जो है लुत्फ ले सके। लेकिन आज इसकी हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ पर अब लोग आना पसंद नहीं कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कब जिम्मेदार अधिकारी इस पर जो कार्रवाई कब करते हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर।